नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ करिश्मा राय तवर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महापर्व मकर संक्रांति। दरअसल मकर संक्रांति का हमारे देश में विशेष महत्व होता है, जिसे हर साल जनवरी के महीने में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है और ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाते हैं। इसी दिन के बताया जाता है कि खरमास भी खत्म हो जाता है और शुभ काम आज इस दिन से शुरू हो जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करना और दान करना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में मकर संक्रांति का मुहूर्त और स्नान का पूर्णकाल क्या होगा, इस दिन संकट से छुटकारा पाने के लिए क्या करें और क्या ना करें, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जीतू सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जीतू जी। शुरुआत सबसे पहले तिथि से ही करेंगे, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी मकर संक्रांति को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन तारीख का ही है कि 14 को मनाएं या 15 को मनाएं, जो हर साल होता है। तो इस बार कब मनाएं मकर संक्रांति? जी बिल्कुल जी, वैसे भी कहते हैं कि अब तो तिथियां भी दो दो बार ही आ रही हैं और त्यौहार को भी हम दो दो दिन ही मनाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आप सभी को, पूरे देशवासियों को, हमारी ओर से, पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये वो समय, पावन समय होता है जिसका लाभ आपने ज़रूर उठाना है और पूरा साल अपनी ज़िंदगी में खुशियों का आगमन बनाए रखना है। तिथि की जब हम बात करते हैं तो संक्रांति तिथि, संक्रांति मीन्स सूर्य का प्रवेश राशि के अंदर, एंट्री पॉइंट जिसे हम कहते हैं। संक्रांति कब है? संक्रांति का ही मेन महत्व होता है और ये संक्रांति पूरी 12 संक्रांतियों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट संक्रांति होती है, जहाँ कहते हैं कि जिसका पुण्य काल बहुत महत्व रखता है और जिसमें किए गए हर एक कार्य का कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। जब हम संक्रांति की बात कर रहे हैं, सूर्य संक्रांति की बात नहीं यहाँ होती, यहाँ क्योंकि जब बाकी संक्रांति आती है तो हम उसको सूर्य संक्रांति ज्यादा कहते हैं, लेकिन जब यहाँ मकर राशि में प्रवेश करते हैं सूर्य तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर मीन्स कैप्रिकॉर्न, शनि की राशि, और शनि और सूर्य पिता पुत्र है। ये पूरे साल के अंदर एक ऐसा समय होता है जहाँ पिता अपने पुत्र के घर में जाता है, जहाँ कहते हैं कि वैसे तो पूरा साल कहते हैं इनकी नहीं बनती आपस में, लेकिन यहाँ पर एक महीना ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, गुजारते हैं समय, और ये समय पुण्य समय कहा जाता है, बहुत ही शुभ समय कहा जाता है। क्योंकि कुंडली में दो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शनि जिसका राशि प्रवेश बहुत ही महत्व रखता है और दूसरा होता है सूर्य जो कि राजा की भूमिका में होता है, और एक पुत्र है एक पिता है, तो यहाँ ये मिलन का समय जो होता है इसे ही हम कहते हैं मकर संक्रांति, यानी मकर राशि में सूर्य की एंट्री, सूर्य का प्रवेश। अब ये प्रवेश कितने बजे, जब तक प्रवेश नहीं होता तब तक आप संक्रांति नहीं मना सकते। 14 तारीख की रात्रि में 8:44 8:44 PM यहाँ पे सूर्य अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उदयकालीन 14 तारीख को मकर संक्रांति नहीं थी, तो ये संक्रांति जब सूर्य उदय होगा, ये 15 की सुबह का सूर्य उदय में मकर संक्रांति पूर्ण संक्रांति से हम कहते हैं। अब मान्यता के अनुसार बहुत सारे पहले जमाने से चला है कि 14 तारीख को ही आपने संक्रांति मनाते हैं, 14 तारीख को ही सारी जितनी भी गतिविधियां होती है वो सारी करते हैं, बहुत सारे लोग मनाएंगे भी 14 तारीख को, लेकिन ज्यादा महत्व रखेगा 15 तारीख को। आप 14 को भी मनाइए क्योंकि 14 की रात्रि में ही लग गई है संक्रांति, बट अगर आप 15 की सुबह मनाते हैं तो वो ज्यादा उत्तम रहेगी। जी बिल्कुल, तो आपने ये तो बता दिया कि हमें 15 तारीख को मकर संक्रांति मनानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही कन्फ्यूजन था कि कौन सी तारीख को मनाएं, लेकिन अब जब संक्रांति की बात हो गई है तो कौन से मुहूर्त में मनाएं और कौन से मुहूर्त में स्नान दान करें ये भी जान लेते हैं। बिल्कुल, दो का जो दान तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन दो कार्य कहते हैं स्नान और दान, तो स्नान भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, दान भी बहुत महत्व रखता है, लेकिन जब हम बात का चुनाव करते हैं समय का,
वो होता है हमारा पुण्य काल। जो पुण्य काल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है सभी संक्रांतियों में, मकर संक्रांति का। जो पहला पुण्य काल पड़ रहा है वो पड़ रहा है सुबह 6:47 से लेकर के शाम के 5:40 तक का, यानी ये सूर्य अस्त के पास पहुंच गए हम, ऑलमोस्ट ऑल उसके नजदीक पहुंच गए। तो पूरा दिन आपको पुण्य काल मिल रहा है, पूरा दिन आपको समय मिल रहा है, लेकिन ये समय मिल रहा है आपको 15 तारीख का। तो 15 तारीख को स्नान दान जप तप खूब सारा कीजिएगा ताकि आपको खूब सारे लाभ मिले। और एक महापुण्य काल है जो कि उससे भी कहते हैं उत्तम काल माना जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो समय पर निकल जाते हैं घर से बाहर, वर्किंग होते हैं या फिर उनकी नाइट ड्यूटी करके सुबह उस समय तक घर नहीं पहुंच सकते, तो उनके लिए भी हमने समय ज़रूर बताना है ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। महापुण्य काल जो है वो सुबह 7:15 से लेकर के सुबह के ही 9:06 तक का है। तो ये समय भी आपके लिए बहुत शुभ है, यहाँ भी आप अपने स्नान दान जप तप कर सकते हैं। और एक साधारण काल है जिसे हम शुभ काल कहते हैं, वो समय भी आप 11:30 तक, सुबह के 11:30 तक आप ये सारे कार्य कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो ये तो मुहूर्त की बात हो गई, लेकिन इस दिन कैसे करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, पूजा विधि क्या होती है, क्योंकि कहते हैं कि मकर संक्रांति पर भी पूजा करने के कुछ खास नियम होते हैं कि किस तरीके से आप स्नान दान करें, तो वो नियम क्या है उसके बारे में भी देखिए। सबसे पहले होता है स्नान का महत्व। और वैसे भी जो आजकल की जनरेशन है वो 10 बजे उठती है, 11 बजे उठती है, तो कहते हैं स्नान का महत्व तो पीछे ही छूट जाता है। और सबसे देवीय स्नान होते हैं वो सुबह के भोर के स्नान, जिसे हम कहते हैं शुभ काल के स्नान कहे जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के स्नान इसे आप कह सकते हैं। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्य उदय से पहले का स्नान जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। उससे भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि अगर 4:30 उठ करके आप स्नान ले लें। आपने देखा होगा कि बहुत पवित्र नदियों में घाटों पर जाया जाता है अर्ली मॉर्निंग स्नान करने के लिए। तो ये सुबह का जो स्नान है ये ब्रह्म स्नान कहा जाता है, यानी भगवान देवताओं का स्नान कहा जाता है। और अगर आप सूर्य उदय से पहले एटलीस्ट स्नान ले लेते हैं तो ज़्यादा महत्व रखता है। और उसके बाद आप उठ रहे हैं तो अपनी इच्छा स्व इच्छा के लिए आप कर रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि सूर्य उदय के पहले का ही स्नान आप लीजिए, क्योंकि साल में कुछ ऐसे पर्व ऐसे दिन होते हैं जिसका लाभ पूरा साल आपके साथ बना रहता है। तो यहाँ पर जब स्नान की बात आ रही है तो यहाँ आप आलस मत कीजिएगा, और शनि वैसे भी आलस करवाते हैं, आपको पता है ना ये चीज़ कि शनि थोड़े से स्लोएस्ट प्लैनेट, थोड़े नहीं बहुत ही स्लोएस्ट प्लैनेट है, लेकिन थोड़ा सा आलस तो डाल के ही रखते हैं व्यक्ति विशेष में। तो आपने यहाँ छोड़ देना, बिस्तर त्याग देना है ताकि पूरा साल आपको एक एनर्जी बनी रहे और एक शुभ आपका वातावरण जो है वो आपके साथ हमेशा चलता रहे। और देह शुद्धि ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि देह शुद्धि से आपकी कई तरह से बीमारियों का छुटकारा मिलता है जी। बिल्कुल, लेकिन जीतू जी ये भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार मकर संक्रांति पर कुछ खास योग बन रहे हैं जिनका खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, और सालों बाद ये योग बन रहे हैं, तो वो योग क्या है और किस तरीके से ये इस पर्व को और भी ज़्यादा खास बनाते हैं जी। कहते हैं कि सूर्य और शनि का मिलन तो ये अपने आप में बड़ा विलक्षण योग बनाता है, लेकिन शनि जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाता है या उसके आसपास की डिग्री, यानी जैसे 29 डिग्री जैसे ही क्रॉस करेगा तो उस पर प्रभाव शुरू हो जाता है उसकी मूल त्रिकोण राशि का, ये बड़ा उत्तम प्रभाव होता है। मूल त्रिकोण राशि में शनि जो होते हैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, जिसका बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2.5 साल बाद राशि बदलते हैं, बदलने ही वाले हैं वो राशि। और सबसे बड़ी बात है कि ये मूल त्रिकोण राशि में पूरे 30 साल के बाद आते हैं, तो ये एक तो ये सबसे अच्छा योग बना रहे शश योग बन जा रहा है, दूसरा योग बन रहा है सुकर्मा, और तीसरा बन रहा है त्रिग्रह योग। 3 ग्रह एक साथ मकर राशि में होंगे, और उनमें से भी सबसे अच्छा क्या है, एक शुक्र जो आपकी लग्जरीज फेम के कारक हैं, दूसरा सूर्य, तीसरा शनि। ये 3 ग्रहों की जो युति बन रही है ये कर्म स्थान पर बन रही है, और कर्म स्थान को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि वहीं से हमारा रास्ता जाता है हमारी इनकम सोर्स का। तो ये त्रिग्रही योग, सुकर्मा योग प्लस ये शश योग बने जा रहा है जी।
बिल्कुल, लेकिन जीतू जी ये भी देखा जाता है कि कई बार कहा जाता है कि पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं तो उसके कई गुना फल मिलते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप गंगा नदी या किसी और नदी में जाकर स्नान करें। ऐसे में जो लोग घर पर ही पूजा पाठ करना चाहते हैं वो क्या करें, और ये भी है कि किस तरीके से वो स्नान घर पे करके पूजा पाठ कर सकते हैं, उसके लिए क्या नियम है? जी देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे दान की महत्वता और स्नान की महत्वता। अगर आप घाट नदियों के नजदीक हैं, थोड़ा पवित्र स्थानों के आसपास हैं, तो ये तो कहते हैं ना ऊपर वाले की ही, जो ऊपर वाले का ही कर्म होता है, जो हम बहुत पवित्र नदियों के नज़दीक होते हैं जब ये ऐसे ऐसे पर्व आते हैं, तो अगर आप नज़दीक हैं तो खैर वहाँ ही स्नान कीजिएगा। अगर आप वहाँ नहीं है, दूर हैं, अपने घरों में हैं, तो गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके स्नान कर लीजिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे गंगा जल भी नहीं है हमारे पास, तो पवित्र नदियों का कोई जल होगा, कभी तो आप गए होंगे पवित्र स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर, उनका कोई जल है वो डाल लीजिए। अगर चलिए वो भी नहीं है तो एक और ऑप्शन देते, क्योंकि आलस तो करने नहीं देना है हमने, हमने तो ये आपको स्नान जो है ये करवाना ही करवाना है, और आपको ऑप्शंस बड़े अच्छे देने हैं। घर के नज़दीक जो भी आपके पूजा स्थान है, धर्म स्थान है, वहाँ से जाकर के एक लोटा जल ले आइए और उसे डाल दीजिए आप अपने नहाने वाले जल में, तो स्नान कर दीजिए, तो आपको स्नान का तो ऑप्शन बहुत सारे मिल गए। अब आती है दान की बात, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दान में, खिचड़ी दान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तिल के सेवन का, तिल के दान का बहुत महत्व होता है, और तिल का सेवन भी करना चाहिए, तिल स्नान भी करना चाहिए, तिल का दान भी करना चाहिए। तो ये खिचड़ी दान, तिल दान, ये सब चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। और हाँ, सूर्य को जल देना और शनि की आराधना करना, क्योंकि ये एक महीना ऐसा होता है जब आप रविवार को भी शनि पूजा कर सकते हैं, शनिवार को भी सूर्य पूजा कर सकते हैं। अदरवाइज कहते हैं कि शनिवार को शनि पूजा करनी चाहिए, रविवार को रवि पूजा करनी चाहिए, यानी सूर्य की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ये महीना ऐसा होता है आप पिता और पुत्र दोनों की पूजा कीजिए, और दोनों का खूब सारा लाभ आपको मिलता है। बीमारियां दूर होती हैं, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, आपका मनोबल बहुत स्ट्रांग होता है, और आपको सारी परेशानियों से मुक्ति जो है वो इसी पर्व के दौरान मिल जाती है। तो आपको ज़्यादा ना घबराने की ज़रूरत है, ना टेंशन लेने की ज़रूरत है, बस अपने कर्म करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया। अब लेकिन जब कर्मों की बात आती है तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है कि कौन से कर्म करें और कौन से कर्म ना करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां भी लोगों से हो जाती है। तो खास तौर पे मकर संक्रांति के दिन क्या कुछ करना चाहिए जो बेहद ज़रूरी होता है, और किन चीज़ों से बचना चाहिए? जी देखिए, उत्तरायण का समय है, यानी यहाँ से मौसम का बदलाव भी शुरू हो जाता है, और उत्तरायण मीन्स देवताओं के दिन, तो जब भगवान के दिन हो तो अच्छे कर्म ही करने चाहिए। तामसिक चीज़ों से आपको बहुत दूरी बना करके, वैसे आप खाने में जितने भी मशगूल रहते हो या खाते हो तो आप यहाँ छोड़ दीजिए। ये महीना बड़ा पावन महीना होता है, ये तामसिक चीज़ों से दूर रहने का महीना कहा जाता है, क्योंकि दो चीज़ों में से आपको एक ही चीज़ मिलती है, या अच्छाई या बुराई। तो कोशिश कीजिए ना बुराई को छोड़ करके अच्छाई जो है, जो आपकी इर्द गिर्द है, जो माहौल बना करके आई है, जो आपके पास कहते हैं ऊपर कायनात ने आपको दी है, तो वहाँ से आपको चूक नहीं करनी चाहिए। आपको तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, मतलब मांसाहारी, अल्कोहल, ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। देर तक शयन नहीं करना चाहिए, यानी देर तक नहीं सोना चाहिए, और अपशब्द बुजुर्गों को नहीं कहने चाहिए। पिता पुत्र में अगर विवाद चल रहा है कई सालों से, आपको लगता है कि पिता पुत्र नहीं कहेंगे, खाली हम संतान की बात करेंगे, उसमें कन्याएं भी होती हैं, तो पिता के साथ अगर के वाद मतभेद ज़्यादा चल रहे हैं, तो ऐसे समय के ऊपर आपको सूर्य आराधना भी करनी चाहिए, आपको शनि आराधना भी करनी चाहिए, दोनों के मंत्रों के जाप करने चाहिए। हर दिन आपको एक चुटकी तिल डाल करके स्नान करना चाहिए, ताकि आपकी जितनी नेगेटिविटी है वो सारी थ्रो हो, और आपके अंदर एक पॉजिटिव वातावरण आए, ताकि आपके रिश्तों के अंदर एक मिठास आए। तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, अच्छी सोना टाइम पर चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, और तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, विवाद से दूर रहना चाहिए, अपशब्द किसी को नहीं बोलने चाहिए, और साथ के साथ दिन का शयन कहते हैं इस समय नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये तो वो चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे क्या कुछ करना चाहिए उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि कहते हैं मकर संक्रांति का ऐसा पर्व है जिसका असर हमारे राशियों पर भी पड़ता है, ग्रहों पर भी पड़ता है, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो किसी तरीके से किसी ग्रह दोष से परेशान है, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? जी खिचड़ी का दान कहते हैं सबसे सर्वोपरि माना जाता है, और खिचड़ी के दान से कहते हैं आपके सारे ग्रह शांत हो जाते हैं।
अब कैसे शांत होते हैं, चंद्रमा जो होते हैं वो चावल के कारक माने जाते हैं और शुक्र भी कारक माने जाते हैं। तो चावल का दान, काली उड़द मतलब शनि का दान, तो शनि का दान मीन्स काली उड़द मतलब जिसे हम दाल मखनी बनाते हैं, आपको बहुत सारे लोग कहते हैं काली उड़द कौन सी है, दाल मखनी साबुत वाली वो उसमें ज़रूर होनी चाहिए। अब आता है घी, घी जो होता है आपके सूर्य के कारक माने जाते हैं तो घी उसमें ज़रूर होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी ज़रूर डालनी चाहिए, जो जुपिटर के कारक होती हैं वो ज़रूर डालना चाहिए। फिर एक कोई भी एक सब्जी का टुकड़ा जिसे हम कहते हैं बुध के कारक, उन्हें भी ज़रूर डालना चाहिए। तो इस सारे ग्रहों का जो समावेश है वो होता है खिचड़ी के अंदर। खिचड़ी का दान करना, कच्चा कच्ची सामग्री यानी सारी चीज़ें कच्ची देना। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा जब आप ये चीज़ें देते हैं, आप अपने ग्रहों को संतुलित करने जाते हैं लेकिन अपने कर्मों को खराब नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जब हमने कुछ चीज़ खानी होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की, अच्छी क्वांटिटी की, प्यारी सी लेकर के आते हैं, साफ़ सुथरी, लेकिन जब हम दान की बात करते हैं तो हम एक कोई सस्ता सा सामान ले आते हैं खरीद के। आपने एक तरफ से ग्रह ठीक करने की कोशिश की और न्याय के देवता है शनिदेव, और दूसरी तरफ से आप अपने कर्मों के देवता भी कहते हैं इसे, कर्म फलदाता भी कहते हैं इसे, तो कर्म तो खराब कर दिया आपने, क्योंकि आपने यहाँ भेदभाव कर दिया कि जो दूसरे को खिलाना है वो गलत है, जो स्वयं खाना है वो अलग है। तो दान खिचड़ी का बहुत अच्छा माना जाता है। खिचड़ी बना करके पूजा स्थान पर अपने घर के जितने भी धार्मिक स्थान, जो भी आपने पूजा के लिए तस्वीरें मूर्तियां रखी हैं, उन्हें भोग लगा करके भगवान का ध्यान करते हुए, सूर्य देव की आराधना करते हुए, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करते हुए पहले आप अपने पूजा स्थान पर चढ़ाइएगा, उसके बाद आप अपने घर के हर सदस्य को खिचड़ी का भोग यानी जरूर लगाना चाहिए, ज़रूर थोड़ा थोड़ा सा सेवन करना चाहिए। खिचड़ी दान और खिचड़ी खाना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, समय ज़रूर करनी चाहिए। थोड़ा सा गुड़ का सेवन इस दिन ज़रूर करना चाहिए, 15 तारीख को, आगे पीछे खाए या नहीं खाइए। कोई कहते हैं हमें शुगर है, अरे एक मोती दाने जितना खाने में कोई शुगर नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी स्वीट्स आप खा जाते हैं। थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा और थोड़े से तिल, खिचड़ी ये ज़रूर खानी चाहिए इस दिन। इससे आपके इन पूरे के पूरे ग्रह, 7 ग्रह जो कि विजिबल ग्रह कहते हैं हम लोग, और 2 शेडो प्लैनेट जिसे हम मैलेफिक प्लैनेट कहते हैं, तो ये 7+2 9, ये 9 के 9 प्लैनेट को बल मिलता है, जिसमें 2 शेडो है और 7 विजिबल है। तो 9 ग्रहों का समावेश है आपकी खिचड़ी के अंदर। ये दान कीजिए और इसके खाइए भी ज़रूर आप। बिल्कुल, तो ये तो हो गए उपाय खिचड़ी को लेकर। लेकिन जीतू जी, जैसा कि आपने बताया कि इस दिन खास तरह का योग भी बन रहा है, ऊपर से रविवार का दिन भी है, और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, तो ये अगर इन सभी चीजों को मिला के देखा जाए तो क्या कोई ऐसा महा उपाय भी है जो इस दिन करना चाहिए? बिल्कुल 100% है एक ऐसा महा उपाय जिसे आप करते हैं तो आपके घर में धन वर्षा होती है और आपके घर से बीमारियां दूर जाती है। एक होता है कोड़ियाँ, कोड़ियाँ आपने 11 कोड़ियाँ ले लीजिए और उसे आपने सफ़ेद कोड़ियाँ लीजिएगा, यहाँ पीली कोड़ियाँ नहीं चाहिए, यहाँ सफ़ेद कोड़ियाँ चाहिए। कोड़ियाँ लेकर के आपने चावल के बीच में मिक्स कर लेनी है, जितनी कोड़ियाँ उतने ही सिक्के ये चावल में मिक्स करके आप एक पोटली बना करके गुलाबी रंग के कपड़े में इसे आप अपने तिजोरी में रख दीजिएगा। ये कार्य तो आप ज़रूर कीजिएगा, यहाँ से आपकी धन वर्षा जो है वो शुरू होती है, लेकिन बीमारियाँ दूर हों आपकी, बीमारियां आपके घर के इर्द गिर्द भी नहीं हो। तो आपने करना है काली उड़द की दाल, उसे काले कपड़े, 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लीजिए, काली उड़द की दाल ले लीजिए और उसकी एक पूरी पोटली बना करके अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार लीजिए। और खास करके घर के अंदर का कोई खास व्यक्ति बीमार है, बच्चा है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, कोई भी है, तो आप उनके सिर के ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके इस पोटली को किसी को दान में दे दीजिए। लेकिन सिर्फ ये पोटली मत दीजिएगा, हमने कहा ना कि खिचड़ी भी दीजिए, थोड़ा सा आप और मिठाई सामग्री दीजिए, तिल दीजिए, तिल से बनी हुई मिठाई दीजिए, कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, कुछ कपड़े वस्त्र दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि ये मोक्ष का समय होता है, बड़ा अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि भीष्म पितामह को भी मोक्ष की प्राप्ति इसी समय में ही हुई थी, तो ये बहुत ही पुण्य काल होता है। इस समय आप किसी भी कार्य को करेंगे तो आपको कई गुना ज़्यादा लाभ मिलना ही मिलना है।
बिल्कुल। लेकिन जीतू जी, ये भी कहा जाता है कि इस दिन लोग मंदिरों में दान करते हैं और दान पुण्य का खास तौर पे महत्व होता है, लेकिन अपने घर में अगर बड़ों को भी कुछ ना कुछ दिया जाए तो उसका भी आशीर्वाद मिलता है, तो क्या ऐसा भी कोई खास महत्व होता है? देखिए, बड़ों को तो उपहार ही देना चाहिए, दान हमेशा बाहर ही जाता है, क्योंकि दान जो है वो हमेशा किसी ज़रूरतमंद को दिया जाता है, जहाँ से कल्याण का रास्ता निकलता है और ज़रूरतमंद की ज़रूरत जो है वो पूरी होती है, या फिर मंदिरों में इसे अर्पित किया जाता है, मतलब चढ़ाया जाता है श्रद्धापूर्वक। लेकिन दान आता है तो वो किसी दूसरे को ही दिया जाना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों को, लेकिन घर के सदस्यों को उपहार देना बहुत उत्तम माना जाता है इस समय, खास करके घर के बुजुर्ग, क्योंकि शनिदेव बुजुर्ग हैं, शनिदेव जो हैं वृद्ध हैं, शनिदेव बहुत लास्ट की डिग्रीज में जाकर ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, तो कहने का मतलब बहुत धीमी धीमी मध्यम मध्यम चलने वाले, आगे तो टिक गए तो फिर जाते ही नहीं है, इसीलिए लोग 7:30 शनिदेव की ढैया इनसे बहुत डरते हैं, क्योंकि ये निकलने वाले आसानी से नहीं होते। तो ऐसे कोई भी उपहार अपने घर के सदस्यों को, बड़े सदस्यों को, बुजुर्गों को दे करके उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। तभी हम बार बार कहते हैं कि बुजुर्गों को मत सताया करो। बुजुर्गों को सताना मतलब शनि को परेशान करना, सूर्य को परेशान करना, गुरु को परेशान करना। तो ये तीन ग्रह अगर आपकी कुंडली में अस्त व्यस्त हो गए तो आपका जीवन तो अस्त व्यस्त ही है, तो इसीलिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि उपहार देना तो ज़रूरी होता है, लेकिन उपहार में क्या दें, क्या ऐसा भी ज़रूरी होता है जानना कि क्या कुछ उपहार में देना चाहिए? क्योंकि दान का तो आपने बता दिया कि दान में हमें क्या क्या देना है जो ज़रूरी होता है, और एक और चीज़ जिस तरीके से आपने बताया कि जिन पे 7:30 होती है, ढैया होती है, क्या उन्हें भी इस दिन कुछ खास उपाय करने चाहिए इन दोषों से निजात पाने के लिए? जी, मूल त्रिकोण राशि में जाने वाले हैं शनि, ध्यान रखिएगा, और बहुत समय नज़दीक आता जा रहा है, ये बहुत बदलाव है, 30 साल बाद का बदलाव है, तो बहुत सारे लोगों की शनि डैया समाप्त होगी, शनि डैया शुरू होगी, 7:30 शुरू होगी, तो यानी ये समय तो बहुत ही अलग है। लेकिन फिर भी ये राशि परिवर्तन करने से पहले मकर राशि में शनि देव प्रसन्न है पिता के साथ, तो यहाँ पर आप काली चीजों का दान कीजिए। उपहार की बात आती है तो काटने वाली चीज़ें जो होती हैं, कैंची है, जिसमें कैंची का कटर हो, कोई ऐसी चीज़ जो चीज़ों को काटती हो, अलग करती हो, वो उपहार आपने इस समय किसी को भी नहीं देना है। घर में कई बार हम कहते हैं ना कटलरी ले लेते हैं, कटलरी खरीदने के बजाय हम कहते हैं चलो घर में यूटिलाइज भी हो जाएगी और ये हमारी तरफ से उपहार भी हो जाएगा, खास करके महिलाएँ महिलाओं को दे देती हैं, तो उसमें सीजर, चाकू, काटने वाली कोई चीज़, कोई धारदार चीज़ें, ऐसी कोई भी चीज़ आपने नहीं देनी है एक दूसरे को, और ख़ास करके कोशिश कीजिएगा कि लोहे की कोई चीज़ एक दूसरे को ना उपहार में दे इस समय, खास करके ये दान का समय है, तो इस समय दान ऐसी चीज़ें दिए जाए। हाँ, वस्त्र आप दे सकते हैं एक दूसरे को उपहार में, आप मिठाई दे सकते हैं एक दूसरे को उपहार में, तो ये चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपने धारदार चीज़ें, लोहे से बनी हुई चीज़ें, ये आपने उपहार में नहीं देनी है। अब आती है बात कि 7:30 ढैया जिनकी शुरू होने वाली है उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। उन्हें तो खैर बहुत सारे उपाय करने चाहिए, उसका हम डेफिनेटली आपको अलग से एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे, लेकिन एक साधारण उपाय है, पूरा साल आप काली चीज़ों का दान हर शनिवार को करते रहिए। छाया पात्र मीन्स कि एक कांसे की कटोरी, उसमें तेल भर करके चेहरा देख करके, पूरे चेहरे के हर एक अंग को देख करके, इसे आपने हर शनिवार को दान में देना शुरू कर देना है, और ये उपाय कंटिन्यूशन कीजिए ताकि किसी भी तरीके का कोई मैलेफिक प्रभाव जो है वो आपके ऊपर ना हो। जी बिल्कुल जीतू जी, ये भी कहा जाता है कि इसी दिन से खरमास भी खत्म हो जाता है, शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है, तो ऐसे में जो लोग किसी शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन? उन्हें कर देने चाहिए शुभ कार्य, बहुत अच्छा समय होता है ये, और इसमें कहते हैं कि पुण्य काल, तो महापुण्य काल, ये तो बहुत ही अच्छे समय है कि आप किसी भी कार्य को ग्रीन सिग्नल, यानी जो सूर्य है प्रवेश जब कर गए, यानी 15 तारीख को, फिर हम 14 तारीख की बात नहीं करेंगे, आप फिर 15 के बाद से ही कंटिन्यूशन में आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं शुभता। अपने इष्ट देव का नाम लेके, अपने कुल देवी देवताओं का नाम लेकर के, खिचड़ी अर्पित करके भगवान देवी देवताओं, क्योंकि हमने कहा है कि उत्तरायण मीन्स देवताओं के दिन, शुभ काल, चेंजेस वेदर का, खरमास समाप्त हो, तो ये सारे बड़े अच्छे योग संयोग है, तो यहाँ से आप शुरुआत अगर अपने अच्छे समय की करते हैं तो बहुत ही शुभ मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है, तो आप सारे कार्यों को कर सकते हैं। जी
बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद जीतू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम उपाय दर्शकों को बताने के लिए। तो इसी के साथ मकर संक्रांति आप इन उपायों के साथ कीजिए, जरूर आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि 15 तारीख को मनाना है, ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया। तो इसी के साथ आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।